आपने कई बार नोट किया होगा कि अक्सर कोई आपराधिक घटना हो जाने पर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए जाते हैं, पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन आपने इतनी सारी घटनाएं देखी होंगी, इतने सारे मर्डर, रेप, डकैती, लूटपाट, सब कुछ देखा होगा। ये देखने के बाद पुलिस को दोष दिया होगा, लेकिन कभी भी समाज पर सवाल नहीं उठाया जाता। आज हमारे पास कुछ गंभीर आंकड़े आए हैं जो समाज पर सवाल उठाते हैं। आप इसे समाज का जीडीपी भी कह सकते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने वर्ष 2016 में यानी पिछले साल देश भर में हुए अपराधों पर अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की है और इसमें कई आंकड़े ऐसे हैं जो आपको चौंका देंगे। वर्ष 2016 में भारत में हर एक घंटे में 3 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है, हर 15 मिनट में रेप की एक घटना हुई है, हर 60 मिनट में यानी एक घंटे में करीब 10 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में एक तरफ देवियों की पूजा की जाती है और दूसरी तरफ इसी देश में महिलाओं के साथ रेप होते हैं और उनसे छेड़छाड़ होती है। वैसे पिछले साल भारत में हर घंटे 7 महिलाओं के अपहरण की घटनाएं हुई हैं, यानी हर घंटे 7 महिलाओं का अपहरण हुआ। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी, दुख भी होगा कि महिलाओं के अपहरण के मामलों में से आधे मामले जबरदस्ती शादी करने के थे। हर घंटे कम से कम 3 महिलाओं के अपहरण जबरदस्ती शादी करने के लिए किए गए। देश की महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार हमारे समाज पर किसी कलंक से कम नहीं। जिस देश में महिलाओं के उत्थान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती हो, उस देश के ये आंकड़े हमारे समाज को एक आईना दिखा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में देश भर में रेप के कुल 38,947 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 36,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी पीड़ितों के परिचित थे, यानी रेप के 95% मामलों में आरोपी पीड़ित के परिचित थे। यानी महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा अपने ही जान पहचान वाले लोगों से है, अपने ही पारिवारिक मित्रों से है, रिश्तेदारों से है, ऐसे लोगों से है जिन्हें वो जानती हैं। अब जरा सोचिए, जब जान पहचान वाला ही इस तरह धोखा देगा तो कोई किसी पर कैसे विश्वास करेगा। हमारे ग्रंथों में आपको विश्वास, भरोसा, वचन और नैतिकता जैसे शब्दों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन आज के भारत की जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है और ये बहुत दुखद है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। भारत के 19 बड़े शहरों में से महिलाओं से छेड़छाड़ की सबसे ज्यादा घटनाएं हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुई। गंभीर अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे खतरनाक राज्य है। देश के सबसे बड़े राज्य में पिछले वर्ष हत्या के 4,889 मामले दर्ज हुए। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को थोड़ा चिंतित कर सकते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों को देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनका काम बढ़ जाएगा। हालांकि तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्हें उत्तर प्रदेश के हालात सुधारने के लिए अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा भारत में हर रोज लूटपाट की 87 घटनाएं हुई, जबकि हर रोज डकैती की कम से कम 10 घटनाएं हुई हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि पिछले वर्ष हर 60 मिनट में यानी हर एक घंटे में सांप्रदायिक हिंसा की कम से कम 7 घटनाएं हुई, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब आप जरा यह सोचिए कि ये उस देश के आंकड़े हैं जिस देश के लोग खुद को धार्मिक कहलवाना पसंद करते हैं और ये दावा करते हैं कि उन्हें भगवान से डर लगता है, हम बहुत गॉड फेयरिंग लोग हैं, ऐसा यहां के लोग कहते हैं। ये उस देश के आंकड़े हैं जहां के लोग अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते। ये उस देश के आंकड़े हैं जहां राम मंदिर एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, राम मंदिर को लेकर लोग बहुत भावुक हैं, जहां बाबरी मस्जिद एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, जहां धर्म के नाम पर लगातार हर चुनाव में वोट मांगे जाते हैं और धर्म के ही नाम पर वोट काटे भी जाते हैं, उम्मीदवारों का चयन धर्म के नाम पर किया जाता है और नेताओं को ऐसा लगता है कि इस देश के लोग बहुत धार्मिक हैं और अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे देश के लोगों ने शायद धर्म के पालन के सही मतलब को कभी समझा ही नहीं।
इसमें कोई शक नहीं कि एनसीआरबी के ये आंकड़े देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर सवाल उठना ही चाहिए, यहाँ के जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठना चाहिए, पुलिस पर सवाल उठना ही चाहिए, सरकार पर सवाल उठना चाहिए, लेकिन सवाल सिर्फ पुलिस और लंबी कानूनी प्रक्रिया पर ही नहीं उठते, समाज को भी अपनी नैतिकता, आदर्श और उसूलों का डीएनए टेस्ट करना होगा। ये देश के पूरे सिस्टम और आम लोगों की साझा जिम्मेदारी है, और आज जब आप ये आंकड़े देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपके देश का समाज किस तरफ बढ़ रहा है, आपका समाज कैसा है, आपके समाज के नैतिक मूल्य कैसे हैं, और आपके देश में कैसे लोग बसते हैं, और इसी से हमारे देश का भविष्य भी तय होगा।